हेलो एवरीवन, एसक्यूएल के बहुत से स्टूडेंट्स के अलग अलग क्वेरीज आ रही हैं, तो इस एक सिंगल वीडियो में एसक्यूएल के जितने भी क्वेरीज हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। अब इस वीडियो के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर की क्वेरीज भी डिस्कस की जाएंगी, फोर्थ सेमेस्टर की क्वेरीज भी डिस्कस की जाएंगी और सिक्स सेमेस्टर की क्वेरीज भी डिस्कस की जाएंगी। लेकिन आपको पूरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा और जिस भी सेमेस्टर के आप स्टूडेंट हैं उस सेमेस्टर की जो रेलेवेंट वीडियो का पार्ट है वो पार्ट आप देख सकते हैं, बाकी पार्ट को आप स्किप कर सकते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ, वहाँ पे टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग अपने काम का जो वीडियो का पार्ट है उसको आप देख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की, तो फर्स्ट सेमेस्टर की जो मेन क्वेरीज आ रही हैं उन सबको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा भी और कोई क्वेरीज होंगी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। सबसे पहली क्वेरी स्टूडेंट्स की आ रही है क्लासेस के रिगार्डिंग। अब देखो एसएल में जो फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेज है वो दो तरह से हो रही हैं, एक तो क्लासेज हो रही हैं आपकी ऑनलाइन और एक क्लासेज हो रही हैं आपकी ऑफलाइन। ठीक है, तो दोनों को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं किस तरह से आपको ये सारी क्लासेज होनी है। देखो ऑनलाइन जो आपके क्लासेस हैं वो जनरली जो है SEC सब्जेक्ट की हो रही है, यानी कि स्किल एनहांसमेंट कोर्स की हो रही है, AEC की हो रही है यानी एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, और VAC यानी वैल्यू एडेड कोर्स। अब ये जो तीन टाइप के आपके कोर्स हैं, तीन सब्जेक्ट्स हैं, इनकी क्लासेस आपकी ऑनलाइन मोड में हो रही हैं और ये क्लासेज आपकी सैटरडे को होंगी। ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर की जो ऑनलाइन क्लासेज हैं वो हो रही है स्किल एनहांसमेंट कोर्स की, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स की और वैल्यू एडिशन कोर्स की। इन तीनों में जो भी आपने सब्जेक्ट लिया उनकी क्लासेस आपकी ऑनलाइन मोड में होंगी और ये आपकी हर सैटरडे को क्लासेस होंगी। कैसे ज्वाइन करना, आप वेबसाइट पे जाएंगे, मैंने अलग से भी वीडियो बनाई हुई है, आप वेबसाइट पे जाएंगे ऑनलाइन क्लासेस के सेक्शन में, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं ऑफलाइन क्लासेस। देखो जो आपकी ऑफलाइन क्लासेस होंगी इनके अलावा बाकी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जो आपके डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स हैं या आपके जनरल इलेक्टिव का सब्जेक्ट है उसकी जो क्लासेज होंगी वो आपकी ऑफलाइन होंगी। अब ऑफलाइन क्लासेज में बहुत से स्टूडेंट्स की एक क्वेरी आ रही है कि मान लो जिस कॉलेज का उनको मैसेज आया क्या उसके अलावा किसी और कॉलेज में जा सकते हैं, तो हाँ आप किसी और कॉलेज में जा सकते हैं, बस ध्यान रखना कि उस कॉलेज में आपके सब्जेक्ट की क्लासेस हो रही हैं, आपके जो प्रोग्राम है आपका जो कोर्स है उसकी क्लासेस हो रही हैं। और एक बात का और ध्यान रखना है, अगर कोई बॉयज़ स्टूडेंट है तो आप उसी सेंटर में जाएंगे जहाँ पर बॉयज़ की क्लासेस हो रही हैं, अगर कोई गर्ल्स स्टूडेंट है तो आप उसी सेंटर पर जाएंगे जहाँ पर गर्ल्स की क्लासेस हो रही हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये ऑफलाइन क्लासेस आपकी संडे को हो रही हैं। ठीक है, संडे को आपकी ऑफलाइन क्लासेस हो रही हैं और सैटरडे को आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो इस तरह से आपको अपनी क्लासेस अटेंड करनी है। इसके अलावा इन क्लासेस को अटेंड करना बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है, आपकी इच्छा तो आप क्लासेस को अटेंड करें, आपकी इच्छा नहीं तो आप बिल्कुल क्लासेस को स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी अटेंडेंस वगैरह का इशू नहीं होना आपको, ये क्लासेस पूरी तरह से ऑप्शनल है। ठीक है, अब सेकंड क्वेरी आ रही है स्टूडेंट्स की डेट शीट के रिगार्डिंग। देखो डेट शीट आपकी आ चुकी है, इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है तो वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। अब बहुत से स्टूडेंट्स की डेट शीट में इशू आ रहा है कि वहाँ पे उनका कोई एक सब्जेक्ट मेंशन नहीं है, तो देखो पहली बात तो ये जो डेट शीट है ये टेंटेटिव डेट शीट है, कुछ समय बाद आपकी जो फाइनल डेट शीट आएगी उसमें ये जो सारी गलतियाँ हैं उसको रेक्टिफाई कर लिया जाएगा, आपकी जो जो भी यहाँ पे इशूज आ रहे हैं उन सबको ठीक कर लिया जाएगा। इसके अलावा आप जो बेसिक डेट्स देख लो कि आपका अप्रोक्सीमेटली डेट जो है किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम किस तारीख को है, किस डेट को है, उसके आसपास के अकॉर्डिंग आप देख लो। जनरली 27 फरवरी से जो आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, कुछ के 28 फरवरी से होंगे, कुछ के 3 या 4 मार्च से होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लो। और जब भी आपका एडमिट कार्ड आएगा उस एडमिट कार्ड में क्लियरली सारी चीज़ें मेंशन होंगी कि किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आपका किस दिन है, किस डेट को है, कहाँ पर आपका सेंटर है, किस टाइम पर आपको जाना, तो वो सारी चीज़ें आपकी एडमिट कार्ड में मेंशन होंगी। तो अगर किसी स्टूडेंट को डेट शीट देखने में कोई इशू आ रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप कुछ मत करो, आप अप्रोक्सीमेटली अपने एग्ज़ाम की डेट ध्यान रख लो, उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दो। और जब भी आपका एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, आपके जब भी एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे, जैसे मान लीजिए आपके एग्ज़ाम 27 फरवरी से स्टार्ट हैं, तो लगभग उससे एक हफ्ता पहले यानी कि 21 से 22 फरवरी तक या 20 फरवरी तक आपका जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड करने के लिए आ जाएगा और उसके अंदर सारी डिटेल्स जो है मेंशन होंगी। तो जिसको डेट शीट समझ नहीं आ रही आप अपनी प्रिपरेशन करो, एडमिट कार्ड का वेट करो, उसमें सारी चीज़ें मेंशन की जाएंगी। इसके अलावा बुक्स की क्वेरी आ रही है, तो देखो आपकी जो बुक्स जो है वो उसका PDF फॉर्मेट जो है वो वेबसाइट पर अवेलेबल है, कैसे डाउनलोड करना उसके ऊपर मैं पहले से वीडियो बना चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं फर्स्ट सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में, उन बुक्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं और उनसे अपनी स्टडीज जो है स्टार्ट कर सकते हैं। एक क्वेरी स्टूडेंट्स की आती है कि जो हमारा हार्ड कॉपी है बुक का वो हमें कब मिलेगा, तो देखो एसएल के प्रिंसिपल एक महीने से बोल रहे हैं कि हमने प्रिंटिंग के लिए भेज दिया, प्रिंटिंग के लिए अब कौन सी प्रिंटिंग हो रही है वो वही जानेंगे, लेकिन अभी तक बुक का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट नहीं हुआ है। मोस्टली अभी कुछ टाइम लगेगा, आप मान के चल सकते हो अभी एक सप्ताह का टाइम, लगभग एक वीक का टाइम आपको लगेगा, जनवरी के एंड के आसपास से हो सकता है आपका जो बुक का डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्टार्ट हो जाए। और ऐसा भी नहीं है कि सभी कोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन एक साथ स्टार्ट हो जाएगा, तो आप हार्ड कॉपी के चक्कर में मत बैठो, आप अपनी सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करो, इंटरनेट पर जाओ, जो भी आपके टॉपिक्स हैं उनको सर्च करो, उनकी वीडियोज़ वगैरह देखो, इस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन जो है कर सकते हो। अभी के लिए जो हार्ड कॉपी हो आप मान के चल सकते हो कि अगले हफ्ते से हो सकता है आपकी जो हार्ड कॉपी है
वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाए। जब भी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगा आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। इसके अलावा अब हर टॉपिक पे वीडियो बनाना पॉसिबल हो नहीं पाता, जो भी छोटी मोटी अपडेट आती है तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल जो है और इंस्टाग्राम पे मैं फॉलो कर सकता हूँ, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो भी छोटी बड़ी अपडेट होती है वहाँ पर मैं शेयर कर देता हूँ। हर टॉपिक पर वीडियो बनाना इतनी जल्दी वीडियो बनाना पॉसिबल हो नहीं पाता। इसके अलावा असाइनमेंट के रिलेटेड स्टूडेंट्स की क्वेरी है कि जो हमने एडमिशन लिया था उस समय जो हमारा प्रोस्पेक्टस आया था उसमें मेंशन किया हुआ था कि अब से एसोर के अंदर असाइनमेंट्स भी लिए जाएंगे, तो अभी असाइनमेंट के रिलेटेड तो कोई इन्फॉर्मेशन आई नहीं है। तो देखो अभी जो है एसोर के स्टूडेंट्स के लिए, जो फर्स्ट सेमेस्टर के न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक नया पोर्टल बनाया जा रहा है। आपने देखा होगा आपका जो आई कार्ड है उसमें अंदर बार कोड नहीं दिया हुआ है, यानी कि आप जो पहले जो सिस्टम चलता था एसोर में स्टूडेंट डैशबोर्ड का, उसमें आप अभी लॉगिन नहीं कर सकते। तो जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक नया डैशबोर्ड बनाया जा रहा है, नया सिस्टम बनाया जा रहा है, उसी के अंदर आपके असाइनमेंट्स वगैरह जो है सबमिट करवाए जाएंगे। अब ये कब असाइनमेंट निकालेंगे, कब सबमिट करवाएंगे, तो उसके लिए आपको सफिशियंट टाइम दिया जाएगा। तो आप वेट करें, मोस्ट प्रोबेबली जनवरी के एंड तक या फरवरी के फर्स्ट वीक के आसपास तक आपकी जो असाइनमेंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुँचा दी जाएगी। उसके लिए कुछ नहीं करना, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर दी जाएगी। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो कर लें, सभी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इसके अलावा एक क्वेरी स्टूडेंट्स की आ रही है कि हमें सब्जेक्ट चेंज करवाना है। कुछ स्टूडेंट जैसे बी कॉम प्रोग्राम के उनके जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट गलत हो गया, या फिर बी ए प्रोग्राम के उनका जो माइनर वाला सब्जेक्ट है उसमें इशू आ रहा है, या फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने गलत सब्जेक्ट ले लिया था। जैसे कुछ स्टूडेंट ने उर्दू वाला सब्जेक्ट ले लिया था, उनको लगा ये इंग्लिश का सब्जेक्ट है या किसी और डिपार्टमेंट का सब्जेक्ट है, लेकिन वो उर्दू का सब्जेक्ट निकला, तब वो उस सब्जेक्ट को तो पढ़ नहीं पाएंगे। तो उनके लिए सब्जेक्ट चेंज करवाने के लिए आपको क्या करना है, तो देखो एसओएल डिपार्टमेंट का तो ये कहना है कि हम वो कुछ ही समय बाद ऑप्शन निकालेंगे, लेकिन आपको उसका वेट नहीं करना, हो सकता है वो ना भी निकालें। आपको अपना आईडी, आप अपने जहाँ से आपने एडमिशन किया था उस पोर्टल से आप अपना आईडी कार्ड डाउनलोड करें और साथ में अपनी फी रिसिप्ट डाउनलोड करें, ठीक है। आईडी कार्ड और फी रिसिप्ट को डाउनलोड करने के बाद प्रिंट आउट लेके आप एसओएल के कैंपस में चले जाएं और वहाँ पे एक एप्लीकेशन लिखें और उसमें लिखें कि मेरी ये सब्जेक्ट मुझे चेंज करवाना, उसका ये रीज़न है, और उस एप्लीकेशन के साथ इस फी रिसिप्ट को वहाँ पर अटैच करें और एसओएल डिपार्टमेंट को उनको दे दें कि मुझे ये सब्जेक्ट जो है चेंज करवाना है, ठीक है। तो ये आप एप्लीकेशन दें, वहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली आपका जो सब्जेक्ट है उसको चेंज कर दिया जाएगा। तो ये जनरली फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की क्वेरीज थी। इसके अलावा और कोई आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, उसका रिप्लाई मैं मोस्ट वेली वहाँ पे कर दूंगा। अब बात करते हैं फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की। देखो फोर्थ सेमेस्टर की कुछ चार पांच क्वेरीज हैं, उनको मैं डिस्कस करूंगा। इसके अलावा कोई और क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। पहली क्वेरी तो ये आ रही है कि हमारा जो थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट है वो कब आएगा। तो देखो रिजल्ट के रिगार्डिंग अभी कोई भी फिक्स डेट नहीं बताई जा सकती, जो एसएल के ऑफिशियल्स हैं वो भी कोई फिक्स डेट अभी आपको नहीं बता सकते, ठीक है। अब देखो अभी थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट आने में अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चलो तो कम से कम 3 महीने का समय आपको लगेगा, 3 महीने के पहले तो कोई भी रिजल्ट नहीं आने वाला। अब फोर्थ सेमेस्टर में एडमिशन तो आपको करवाना नहीं है, जब आपने फॉर्म फिल किया था उसमें थर्ड और फोर्थ दोनों के एडमिशन्स हो गए थे, फोर्थ सेमेस्टर के आपने सब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर लिए थे, तो एसओएल को अभी कोई जल्दी नहीं है रिजल्ट निकालने में। आप मान के चलो आराम से रिजल्ट आएगा 3 महीने 4 महीने ये आराम से लगाएंगे, तो अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चलो बहुत जल्दी अगर रिजल्ट आता तो मिड मार्च के आसपास रिजल्ट आ जाएगा, और इसके चांसेस भी बहुत कम है, बहुत कम चांसेस है कि आपकी मिड मार्च के आसपास आपका रिजल्ट आ जाए, ज़्यादा चांसेस है कि आपका रिजल्ट जो है अप्रैल के मंथ में ही आएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट इसी को लेकर परेशान होंगे कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। देखो रिजल्ट आ भी जाएगा तो उससे कुछ खास फर्क तो पड़ेगा नहीं, आप अपने एग्जाम से प्रिपरेशन करो, फोर्थ सेमेस्टर के जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपके फ्री रिसिप्ट में मेंशन है उसकी आप तैयारी करो, रिजल्ट को जब आना होगा आएगा। एसओएल ने पहले से भी रिजल्ट लेट निकाले हैं, इस बार तो इनको एडमिशन की कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आराम से बहुत लेट रिजल्ट निकालेंगे, तो आपको उसके लिए घबराना नहीं है। आप अपनी प्रिपरेशन जो है अपने अकॉर्डिंग प्रिपेयर करो, फोर्थ सेमेस्टर के जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उसके आप तैयारी करो। इसके अलावा जो रिजल्ट हैं वो जनरली जो ऑनर्स कोर्सेज होते हैं उनके पहले आते हैं और जो प्रोग्राम कोर्सेज होते हैं उनके बाद में आते हैं, तो हो सकता है कि मिड मार्च में आपके कुछ ऑनर्स कोर्सेज के रिजल्ट आ जाए और उसके बाद प्रोग्राम कोर्सेज के तो अप्रैल के पहले आने की उम्मीद काफ़ी कम है। तो ये रिजल्ट के रिगार्डिंग अपडेट थी। अब बहुत सारी वीडियो आपको देखने को मिलेगी हर 2 दिन बाद की, 3 हफ्ते में रिजल्ट आने वाला है, 4 हफ्ते में रिजल्ट आने वाला है, कुछ नहीं आने वाला, मिड मार्च के पहले तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा और ज़्यादा चांसेस यही कि अप्रैल के मंथ में ही आपको रिजल्ट आएगा, उसके पहले कोई चांस नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग कोई जल्दी नहीं रिजल्ट निकालने की, एडमिशन आपके हो चुके हैं, फोर्थ सेमेस्टर के आपके एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं है रिजल्ट की। अब फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम डेट के रिगार्डिंग क्वेरीज आती हैं, तो फोर्थ सेमेस्टर के जो आपके एग्जाम हैं वो 15 मई से स्टार्ट होंगे। पहले भी इसको मैं बता चुका हूँ, नोटिफिकेशन भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, अकेडमिक कैलेंडर भी शेयर किया था, तो 15 मई से आपके फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम स्टार्ट होने हैं, इसकी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। बुक्स जो हैं आपकी वो कैसे मिलेंगी, तो बुक्स जो आपकी पीडीएफ फॉर्मेट में जो आपकी बुक्स हैं वो वेबसाइट पे अवेलेबल है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट हो सकता है जब आप थर्ड सेमेस्टर की बुक लेने गए हों उसके साथ ही आपके फोर्थ सेमेस्टर की बुक्स मिल गई हों, जिन स्टूडेंट्स को नहीं मिली अभी आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर लो। डिस्ट्रीब्यूशन की अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन होगा भी
तो आप मान के चलो फरवरी के पहले डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट नहीं होगा। तो फरवरी का तक आप वेट ना करें, आप पीडीएफ डाउनलोड करें। अगर आपने पहले से बुक्स ले ली तो आप उससे पढ़ें, आप नेट पे जाएं, आप अपने टॉपिक्स को सर्च करें, उसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको लें। आप अपनी पढ़ाई जो है धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हैं, आपको रिजल्ट के वेट करने की जरूरत नहीं है, मेन मुद्दा ये है। क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, देखो क्लासेस के रिगार्डिंग अभी कोई कन्फर्म इन्फॉर्मेशन नहीं है, अभी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस चल रही हैं। तो आप मान के चलो मिड फरवरी तक तो आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस चलेंगी, उसके बाद ही आपके मिड फरवरी के बाद से ही आपकी जो फोर्थ सेमेस्टर की क्लासेस हैं वो हो सकता है स्टार्ट हो जाए, उसके पहले क्लासेस स्टार्ट होने की कोई भी चांसेस काफ़ी कम है। ठीक है, क्लासेस आपकी मोस्टली ऑफलाइन मोड में होंगी, कुछ सब अब हो सकता है कि जो ऑफलाइन मोड में क्लासेज हों उनकी कुछ क्लासेज ऑनलाइन मोड में भी हो, तो ये आपका मिक्स रहेगा, लेकिन ऑफलाइन और ऑनलाइन मोस्टली दोनों मोड में आपकी क्लासेज जो है होने वाली हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा और कोई आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। इसके अलावा बहुत बार क्या होता है कि छोटी छोटी अपडेट्स होती हैं, मैं यहाँ पे हर बार वीडियो बना के शेयर कर नहीं पाता, तो आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, वहाँ पे जो भी छोटी बड़ी अपडेट्स होती हैं वहाँ पे मैं शेयर कर देता हूँ, तो वहाँ पे आपको अपडेट्स मिल जाएंगे। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आप दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप जनरली इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर कहीं भी जाएंगे आप @SOLReporter सर्च करें, आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की। तो देखो सिक्स सेमेस्टर की भी मेनली 5-6 क्वेरीज आ रही हैं, उन्हीं को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहली क्वेरी आ रही है कि फिफ्थ सेमेस्टर का जो हमारा रिजल्ट है वो कब आएगा। तो देखो जब आपने पहले फोर्थ सेमेस्टर के एग्जामिनेशन दिए थे उसका रिजल्ट पहले थोड़ा जल्दी उन्होंने निकाल दिया था, उसका कारण ये था कि इनको फिफ्थ सेमेस्टर में आपके एडमिशन्स करवाने थे। अब क्या सिचुएशन है, सिक्स सेमेस्टर के एडमिशन्स आपके हो चुके हैं, ऑलरेडी आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए हैं, तो अलग से इनको आप सिक्स सेमेस्टर के एडमिशन नहीं करवाने, यानी कि सिक्स सेमेस्टर का एडमिशन नहीं करवाना है, इसका मतलब क्या है कि आप इनको फिफ्थ सेमेस्टर के रिजल्ट निकालने की कोई भी जल्दी नहीं है। तो आप मान के चले 3 महीने का टाइम तो कम से कम ये लेंगे अपना रिजल्ट निकालने में, और अप्रोक्सीमेटली मान के चले कि मिड मार्च के आसपास जो है आपके रिजल्ट आना स्टार्ट हो सकते हैं, हो सकता है अप्रैल का मंथ भी यहाँ पर आ जाए। अब मिड मार्च में भी पहले आपके जनरली ऑनर्स कोर्सेज के रिजल्ट आते हैं, उसके बाद प्रोग्राम कोर्सेज के रिजल्ट आते हैं, तो ये सिचुएशन रहने वाली है। अब आपको बार बार वीडियोस यूट्यूब पे वीडियोस देखने को मिलेगी कि 2 हफ्ते में रिजल्ट आने वाला है, 3 हफ्ते में रिजल्ट आने वाला है, कम से कम 20 वीडियो मिलेंगी, और उसके बाद फिर 21वीं वीडियो में आपको बता दिया जाएगा रिजल्ट आ गया। तो ये आपको वीडियो है उतना परेशान नहीं होना, आप लास्ट सेमेस्टर आपका आपको ग्रेजुएशन के बाद आगे क्या करना है उसके ऊपर फोकस करें, उसके रिगार्डिंग आप यूट्यूब पर सर्च करें कि ग्रेजुएशन के बाद क्या कर सकता हूँ, किस में मेरा इंटरेस्ट है, किस फील्ड में मुझे आगे जाना है, जॉब करनी है, हायर स्टडीज़ में जाना है, उसके रिगार्डिंग आप सर्च करें तो उसका कोई काम भी बनता है। आप हर दिन 4 वीडियो देखेंगे कि फिफ्थ सेमेस्टर का रिजल्ट कब आएगा, फिफ्थ सेमेस्टर का रिजल्ट कब आएगा, उससे कुछ नहीं होना, आपके दिमाग की क्षमता जो है वही कम होगी, और कुछ खास इससे होने नहीं वाला। तो मैंने अप्रोक्सीमेटली डेट बता दिया आपको, मिड मार्च के आसपास हो सकता है आपके रिजल्ट आ जाए, हो सकता है अप्रैल में भी आपके रिजल्ट आए। तो ये अभी के लिए रिजल्ट की इन्फॉर्मेशन है। सिक्स सेमेस्टर के एग्जाम डेट के रिगार्डिंग क्वेरीज आती है स्टूडेंट्स की, तो सिक्स सेमेस्टर के जो आपके एग्जाम है वो 11 मई से स्टार्ट होने हैं। ठीक है, 11 मई से आपके सिक्स सेमेस्टर के एग्जाम है, डेट शीट वगैरह जो है 2 महीने पहले आ जाएंगी, तो उसके रिगार्डिंग जब भी अपडेट होगी तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। अब देखो छोटी मोटी अपडेट के लिए वीडियो बनाना पॉसिबल हो नहीं पाता, तो आप टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, या दोनों जगह फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप जाके @SOLReporter सर्च करेंगे तो वैसे भी आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। छोटी बड़ी अपडेट मैं वहाँ पर शेयर कर देता हूँ, जो कोई मेजर अपडेट होती है तो मैं वीडियो यहाँ पर बनाता हूँ, क्योंकि मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको डेली 4 वीडियोज़ दिखाऊँ कि इसके ऊपर वीडियो, इसके ऊपर वीडियो, तो एक वीडियो में सारा काम हो जाता है। बुक्स के रिगार्डिंग क्वेरीज आती है, तो देखो कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जब फिफ्थ सेमेस्टर का बुक लेने गए थे तो उनको सिक्स सेमेस्टर की बुक्स दे दी गई थी, लेकिन ये बहुत कम स्टूडेंट थे। अगर आपको बुक्स मिल गई थी तो आप उनके उससे ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, बुक्स नहीं मिली तो PDF जो है आपकी बुक्स की वो वेबसाइट पर अवेलेबल है। आप सिक्स सेमेस्टर में तो आपको पता होगा किस तरह से डाउनलोड करनी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसकी स्टडीज आप स्टार्ट कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कब स्टार्ट होगा, तो देखो अभी डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, अगर स्टार्ट होता भी है तो मिड फरवरी के पहले आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होने के चांसेस काफ़ी कम है। इसी तरह से क्लासेस कब स्टार्ट होंगी, तो देखो अभी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस चल रही हैं, मिड फरवरी तक आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस ही चलेंगी, तो आप मान के चले कि क्लासेज अगर आपकी स्टार्ट होती हैं तो मिड फरवरी से पहले स्टार्ट होने के चांसेस कम हैं, मिड फरवरी के बाद ही आपकी क्लासेज जो है स्टार्ट की जाएंगी, और ये क्लासेज जो आपकी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में कंडक्ट करवाई जाएंगी। तो मेन क्वेरी स्टूडेंट्स की यही थी कि फिफ्थ सेमेस्टर का रिजल्ट मैंने बता दिया, मिड मार्च के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सिक्स सेमेस्टर के एग्जाम 11 मई से स्टार्ट हैं, बुक्स आप PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर लो, अभी डिस्ट्रीब्यूशन की इन्फॉर्मेशन नहीं है, जब भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्लासेस आपकी मिड फरवरी से हो सकता है स्टार्ट कर दी जाए। अब इसके अलावा कुछ और क्वेरीज हैं स्टूडेंट्स की, एक क्वेरी तो ये आती है स्टूडेंट की, जो हमारी डिग्री है जब हम सिक्स सेमेस्टर अपना कंप्लीट कर लेंगे डिग्री हमें कब मिलेगी। तो देखो जब आप सिक्स सेमेस्टर कंप्लीट करोगे, मान लो आपके 11 मई से एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं, आपके मई में एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे,
रिजल्ट आने में लगभग 2.5 से 3 महीने का समय लगेगा, हो सकता है 2 महीने में भी रिजल्ट आ जाए। तो मान लीजिए आपका रिजल्ट जो है अगस्त में आ जाता है, तो जब आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद आपको 2 चीज़ें मिलेंगी, एक तो आपकी मार्कशीट मिल जाएगी आपको, और उसके बाद आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो है ये आपको मिल जाएगा। अब इन 2 चीज़ों से आप सारे काम कर सकते हो, किसी गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म आपको फिल करना है वो भी आप कर सकते हो, हायर स्टडीज़ में एडमिशन लेना है, मास्टर्स में एडमिशन लेना है, किसी और कोर्स में MBA में एडमिशन लेना है, LLB में एडमिशन लेना है, वो सारे काम आपके इससे हो जाएंगे, मार्कशीट से और प्रोविजनल सर्टिफिकेट से। ठीक है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपकी जो ओरिजिनल डिग्री है वो कब मिलेगी, तो लगभग अभी जो समय चल रहा है SL के अंदर, वो आपके फाइनल ईयर कंप्लीट होने के 1 से 2 साल के बाद आपकी जो डिग्री है आपके घर में पोस्ट कर दी जाती है। इनकेस अगर पोस्ट से नहीं आती तो आपको SL कैंपस में जाकर उसको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपकी डिग्री की सिचुएशन है। अब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपके 1-2 साल बर्बाद हो रहे हैं, आपके पास मार्कशीट है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, इससे आप सारे काम कर सकते हो। इसके अलावा बहुत से स्टूडेंट्स की कभी कभी ये क्वेरीज आती है कि हमने 6 सेमेस्टर आप कर लेंगे, उसके बाद अगर हमें इन फ्यूचर अगर हायर स्टडीज़ के लिए प्लान करना है तो किस तरह से हमें प्लान कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 2 तरह के स्टूडेंट हो गए, तो ग्रेजुएशन के बाद जिनको आगे हायर स्टडीज़ में नहीं जाना, अपना जॉब वगैरह करना है, किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है या प्राइवेट जॉब में जाना है, उनकी तो स्टडीज़ यहाँ पे हो सकता है समाप्त हो जाए। जिनको हायर स्टडीज़ में जाना है उनको क्या करना है, मान लीजिए आपको मास्टर्स करना है, MA करना है या MCOM करना है, या फिर मान लीजिए आपको LLB करना है, या मान लीजिए किसी को BEd करना है, किसी को कोई और MBA करना है, अलग अलग तरह के कोर्सेज करने हैं, तो इस तरह के इनके क्या क्या ऑप्शन है। तो देखो DU में एडमिशन के लिए, या फिर मान लो आपको मास्टर्स JNU से करना है या किसी भी और अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करना है, तो आपको एडमिशन के लिए अब आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, CUET PG, जिसके बारे में पहले भी मैंने आपको वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म किया है। तो CUET PG का एग्जाम आपको देना होगा, इसी के थ्रू आपके मास्टर्स कोर्स में एडमिशन होगा। DU के अंदर भी जितने भी एडमिशन होंगे मास्टर कोर्स में वो सभी CUET PG के थ्रू होंगे, SL के अंदर भी जितने मास्टर्स कोर्स में एडमिशन होंगे वो CUET PG के थ्रू ही होंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि हमें जो मास्टर्स है अपनी वो रेगुलर से करनी चाहिए या फिर ओपन से करनी चाहिए। देखो अगर आपके पास टाइम है, अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो, घर में ही बैठे हो, तो आपके पास आपको अपनी मास्टर्स की डिग्री जो है रेगुलर से ही करनी चाहिए, ओपन से आपको नहीं करना चाहिए। आपने ग्रेजुएशन कर लिया ओपन से, आपको पता है कितना आपने पढ़ा है, कितना आपने सीखा है, कितने आपने नॉलेज गेन किया है, जो 12th तक आप पढ़ते आ रहे थे वो भी सब आप भूल चुके होंगे। तो अगर आपको अकेडमिक्स में जाना है, अगर आपके पास टाइम है, आप जॉब नहीं करते, आप घर में बैठे हुए हैं, तो आपको मास्टर्स जो है रेगुलर से करनी चाहिए। आप चाहे कोई मास्टर ऑफ आर्ट्स करें, MCOM करें, LLB करें, LLB या फिर BEd या MBA, इस टाइप के जो प्रोफेशनल कोर्सेज है या तो आपके रेगुलर से ही होंगे, ज़्यादातर आपके LLB और BEd जो है रेगुलर से ही होंगे, तो इनके लिए तो कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं। मास्टर्स MBA कोर्सेज भी आपको रेगुलर से ही करने चाहिए। इसके अलावा और कोई इसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कमेंट सेक्शन में लिखे कि इस कोर्स के रिगार्डिंग हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसके ऊपर मैं ट्राई करूँगा डिटेल वीडियो आपके बनाने की। लेकिन आप ये याद रखें कि CUET PG के थ्रू आपको एग्जाम देना है। अब इसके डेट्स मैं बता देता हूँ कि इस साल भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो है फॉर्म फिल नहीं कर पाए, फिर वो एडमिशन के लिए अब इस साल एडमिशन लेंगे तो उनका 1 साल वेस्ट हो जाता है। तो आपके जो CUET PG के एग्जाम है वो 1 से लेकर 10 जून के बीच में होंगे। ठीक है, इसको डेट को याद रख लो। आपके 11 मई से आपके 6 सेमेस्टर के एग्जाम है, उसके बाद आपके 10 जून से आपके CUET PG के एग्जाम स्टार्ट होंगे, 1 से 10 जून के आसपास। तो आपको तैयारी का टाइम नहीं मिलेगा। अगर आपको मास्टर्स में एडमिशन लेना है किसी अच्छे कॉलेज के अंदर, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर, किसी अच्छे कोर्स के अंदर रेगुलर में, या फिर हो सकता है SL में भी, तो आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी एंट्रेंस एग्जाम की, उसकी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो उसकी तैयारी आपको अभी से स्टार्ट करनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। आपको एग्जाम्स भी देने, उसके बाद आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, तो आपको इन सेमेस्टर एग्जाम्स के पहले इस एंट्रेंस की तैयारी करनी पड़ेगी। इसके फॉर्म कब आएंगे, तो इसके फॉर्म जो है आपके मिड मार्च के आसपास आ जाएंगे, मिड मार्च में आपके फॉर्म आ जाएंगे, और आपके एग्जाम्स जो हैं वो 1 से 10 जून के बीच में होंगे। इसके रिगार्डिंग आने वाले टाइम में जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके साथ शेयर की जाएगी, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर कोर्स के लिए, LLB के लिए, BEd के लिए, MBA के लिए, MA के लिए, MCOM के लिए आपको अलग से इन्फॉर्मेशन चाहिए डिटेल में, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, उसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो लेके आऊँगा। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। कोई आपकी क्वेरी हो, कोई आपकी समस्या हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।